नमस्कार, मैं एक याद आज बात करूंगा प्राइवेट कॉलेज की, उस प्राइवेट कॉलेज की जो कि काफ़ी नामी प्राइवेट कॉलेज है साउथ या फिर कहें कर्नाटका का। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ केम्पागौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेंगलोर के बारे में। क्या खासियत है और क्या चीज़ें हैं इसकी कि कोई भी बच्चा अगर साउथ की तरफ एडमिशन देखता है या फिर कर्नाटका की तरफ एडमिशन देखता है तो उसकी पहली प्रायोरिटी केम्पागौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बन जाती है। तो इसके फीस एक काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा रीज़न है क्योंकि ये कॉलेज काफ़ी पुराना है और ये एफिलिएटेड है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटका से। और इसका जो स्थापन है, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 1980 में हुआ था और ये कॉलेज काफ़ी पुराना है और बहुत बड़े बड़े सेंटर्स से, मतलब कि आप कहूँ आपको मैम संस्थानों से रिकॉग्नाइज हैं। जैसे कि मैं बात कर लूँ अगर तो जनरल मेडिसिन काउंसिल यूके यूनाइटेड किंगडम से भी रिकॉग्नाइज है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी रिकॉग्नाइज है और रॉयल कॉलेज ऑफ ओबगाइनी लंदन से भी ये रिकॉग्नाइजेशन है। तो ये कॉलेज सिर्फ नाम से ही नहीं अपने काम से भी बड़ा है। तो वहीं बताऊँ मैं आपको, केम्पागौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में अगर आप यूजी यानी कि एमबीबीएस एडमिशंस या फिर मैं कहूँ पीजी एडमिशंस के लिए देख रहे हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। मैं बता दूं आपको, केम्पागौड़ा इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस हर डॉक्टर की पहली प्रायोरिटी होती है अगर वो प्राइवेट में एडमिशंस के लिए देख रहा है। इसमें आपकी गवर्नमेंट, प्राइवेट और मैनेजमेंट NRI तीनों चारों टाइप की सीट्स अवेलेबल हैं। एक एक करके मैं हर चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा, वीडियो में कवर करूँगा। तो मैं बता दूँ पहले आपको, इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में आपको कुछ नए और नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। तो मोस्टली हमारा चैनल आपको नीट PG और नीट UG के बारे में ही अपडेट्स प्रोवाइड करता है और एडमिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, स्टूडेंट्स के इशू को क्लियर करता है। अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो तक एंड तक बने रहें। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग केम्पागौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन बेंगलोर MBBS फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे फ़ीस आपको दो तरीके की देखने को मिल जाएगी। पहली मैं बात करूँगा मेरिट कोटा की फ़ीस, जो फ़ीस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मेरिट में एलिजिबल होते हैं नीट UG का एग्ज़ाम देने के बाद, कट ऑफ क्लियर करने के बाद। तो उनकी जो फ़ीस जाती है एनुअल, आपकी फ़र्स्ट ईयर की मैं फ़ीस बता दूँ तो वो है 1,67,602 रुपीज़। और वहीं अगर मैं बात करूँ सेकेंड ईयर से फोर्थ ईयर की फ़ीस जो इनकी जाएगी, वो जाएगी अप्रॉक्स आपकी 1,62,592 रुपीज़। वहीं लास्ट ईयर यानी कि पाँचवें साल आपकी जो फ़ीस जाएगी वह जाएगी आपकी छः महीने की, जो कि 81,476 रुपीज़ है। वहीं बात कर ले अगर स्टूडेंट्स प्राइवेट सीट्स के लिए देखते हैं यानी कि आउटर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं और वो मेरिट कोटा के थ्रू आते हैं तो एज अ प्राइवेट स्टूडेंट सीट पे वो नॉमिनेट होते हैं तो वो सीट्स आपको अप्रॉक्स जो फ़ीस जाएगी आपकी एनुअली, वो बता दूं मैं आपको, फ़र्स्ट ईयर ऑल चार्जेस जोड़ने के बाद आपकी अप्रॉक्स फ़र्स्ट ईयर 8,41,215 रुपीज़ जो कि आपकी एनुअल फ़ीस रहेगी फ़र्स्ट ईयर। वही सेकेंड ईयर से फोर्थ ईयर जो आपकी फ़ीस जाएगी वो रहेगी 8,36,565 रुपीज़। लास्ट ईयर की बात कर ले तो 4,18,300 अप्रॉक्स आपकी फ़ीस जाएगी। और वहीं बात करें अगर मैनेजमेंट सीट्स या फिर NRI सीट्स की, तो इसमें आपको काफ़ी ह्यूज पेमेंट पे करनी पड़ेगी कॉलेज को सीट लेने के लिए, जो कि अप्रॉक्स आपका 36,55,650 रुपीज़ फर्स्ट ईयर देखने को मिलती है। वहीं सेकेंड ईयर से अगर फोर्थ ईयर ₹51,000 per year आपको एक्स्ट्रा और एडिशनल पे करना पड़ेगा सेकेंड ईयर से लास्ट ईयर तक। वहीं अगर
नंबर है जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर पीजी सीट्स में, वो है 111 सीट्स यहाँ पे देखने को आपको मिलती हैं, यानी कि 111 रहेगा किस तरीके से आप सीट अपनी ग्रैब कर सकते हैं अगर आप नीट पीजी 2022 में अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं कैंपागौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। वहीं अगर बात कर लें एडिशनल चीज़ों की, तो कैंपागौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आपके अप्रॉक्स जो हॉस्टल और मेस का फैसिलिटी है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है क्योंकि ये काफ़ी पुराना कॉलेज है। वहीं अगर बात कर ले हम लोग पीजी सीट्स में फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो जैसे मैंने बताया वो कर्नाटका में 2 से 3 तरीके की फ़ीस स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। पहली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं और वो खुद मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं मेरिट सीट। दूसरी आपकी प्राइवेट सीट जो आउटर स्टेट से स्टूडेंट्स मेरिट के थ्रू आते हैं वो प्राइवेट सीट्स कहलाती है। तीसरा और आखिरी जो कि मैनेजमेंट सीट्स और या फिर NRI सीट्स कहलाती हैं, सबकी फ़ीस अलग है। पहले मैं आपको बता दूँ क्लिनिकल ब्रांचेस की जो फीस रहेंगी अप्रॉक्स आपकी मेरिट कोटा की वो है 6,98,280 रुपीज़। वहीं अगर प्राइवेट सीट्स की बात कर ले अगर हम लोग क्लिनिकल की, तो वो है आपकी 11,34,705 रुपीज़ जो कि आपकी एनुअल फ़ीस है। वहीं अगर बात कर ले हम लोग मैनेजमेंट और NRI सीट्स की, तो वो हर ब्रांच के लिए अलग है। तो मैं कुछ ब्रांचेस की आपको फ़ीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ। जैसे MD डर्मेटोलॉजी की जो आपकी NRI की फ़ीस है वो है आपकी 90 लाख पर एनम। वहीं MD PDI की बात करूँ तो वो 70 लाख है। MD जनरल मेडिसिन की भी यहाँ पे फ़ीस मैनेजमेंट और NRI की 70 लाख है करीब। MD रेडियो डायग्नोसिस की 85 लाख देखने को मिल जाती है और MD साइकेट्री की आपको यहाँ पर 35 लाख पर एनम। MD रेस्पिरेटरी मेडिसिन की भी 35 लाख है और आपकी इमरजेंसी मेडिसिन की भी 35 लाख पर एनम है। तो फीस यहाँ पे काफ़ी हाई जाती है। अगर आप NRI और मैनेजमेंट सीट्स के लिए देख रहे हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं नीचे दिए हेल्पलाइन नंबर पर, मैं आपकी हेल्प करूँगा कि कैंपागौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेंगलोर में एडमिशन लेने में। कोशिश करूँगा आपको बेस्ट इन बेस्ट प्रोवाइड कर पाऊँ और जितना कम पैकेज आपका हो पाए उतनी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। अगर आप MD जनरल मेडिसिन या फिर MS सर्जरी, MD रेडियो या फिर MD डर्मा के लिए देख रहे हैं या फिर MS ऑफ गाइनी हायर क्लिनिकल ब्रांच के लिए आप देख रहे हैं, तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करें। जितना जल्दी कॉल करेंगे उतनी ज़्यादा मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। कोशिश रहेगी मेरी ये कि आपको बेस्ट इन बेस्ट प्रोवाइड कर पाऊँ। काफ़ी मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो डीम ब्रांच है आपकी 2022 वो मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। होप करूंगा इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी नॉलेज प्रोवाइड कर दी है। अगर एडमिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं नीचे दिए हेल्पलाइन नंबर पर। मैं एक या दो पूरी कोशिश करूंगा आपको ड्रीम ब्रांच दिलाने की और होप करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कुछ मैं नए कॉलेज या फिर नए इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।